good morning students how are you all i hope everyone is keeping well okay uh, today we are starting with our new chapter parts of computer we have already done introduction of computer and second chapter was uses of computer this is the third chapter parts of computer okay let's get started first one is monitor आपने सबसे पहले आप कंप्यूटर में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या नजर आता है मॉनिटर। इट इज ऑल्सो एज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट वी डी यू इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं इट एक्ट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ये एक तरीके से एक मिडल मैन है एक बीच का एक आदमी है जो कंप्यूटर और हमारे ह्यूमन के बीच में हमारे बीच में एक आम, रिश्ता बनाता है मीन्स अगर हमें कुछ भी काम करवाना है तो हमें क्या मॉनिटर की हेल्प से हम करते हैं इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न ये बिल्कुल हमारा टेलीविजन जैसे दिखता है जैसे आप फोटो दोनों आप देख सकते हो आ, पहले के कंप्यूटर क्या होते थे ऐसे बड़े बड़े हुआ करते थे ऊपर का जो फोटो है पीछे बहुत बड़ा सा हुआ करता है लेकिन आजकल इतना डेवलपमेंट हो गया कि हमारा बिल्कुल ही पतला सा एक कंप्यूटर स्क्रीन हो गया है इट इज एन आउटपुट डिवाइस इसमें क्या होता है जो भी आप सॉल्व कर लेते हो जब आप कुछ भी आ, आपका काम होता है उसके बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट दिखता है वो आपको मॉनिटर पे ही दिखता है ओके नेक्स्ट पार्ट इज सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये ए, सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है कंप्यूटर का इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ब्रेन uh, वो ही हमारी बाकी सारी चीज़ों को हाथ पैर हर चीज़ को कंट्रोल करता है वैसे ही सी पी यू कंप्यूटर का ब्रेन होता है इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं वो भी वो हमारा बस सी पी यू के हेल्प से ही होता है इट परफॉर्म द प्रोसेस इन आई पी ओ आई पी ओ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इनपुट प्रोसेस आउटपुट इसमें जो सेकेंड वाला है प्रोसेस वो काम वो करता है वो हमारा सी पी ही करता है ओके okay? हमारा ये बॉक्स सा होता है ऐसे दिखने में और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जो नीचे वाली सेकेंड पिक्चर है इसको हम बोलते हैं प्रोसेसर इसके बारे में डिटेल हम जब और बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए आप बस पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं ओके नेक्स्ट पार्ट इज कीबोर्ड ये तो बहुत ईजी है आपको जैसे दिख रहा है कि ये बहुत सारे इसमें कीज होते हैं दैट इज़ अवर की इट हैज़ मैनी बटन्स लाइक नंबर्स एल्फाबेट एक्सेट्रा इसमें बहुत सारे नंबर्स वाले कीज uh, बटन होते हैं एल्फाबेट सारे होते हैं इट इज वन ऑफ इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस मतलब जिससे हम कुछ भी काम जो हमें बताना होता है कंप्यूटर को वो हम keyboard की की हेल्प से बताते हैं इट यूजअली हैज वन हंड्रेड फोर बटन एक नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है उसमें यूजली वन हंड्रेड फोर बटन होते हैं ओके नेक्स्ट माउस अब ये वो वाला माउस नहीं है चूहे वाला नहीं है कंप्यूटर का भी एक माउस होता है इट हैज टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील आपने देखा ही यूजुअली देखा ही होगा दो बटनस होते हैं उसमें और साथ में बीच में एक स्क्रॉल व्हील भी होता है इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर अब आप सोचेंगे कर्सर क्या है तो नीचे वाली जो पिक्चर है आपने देखा होगा कंप्यूटर में ऐसे गोल गोल एक ऐसा ट्राइंगल शेप में घूमता रहता है इसको हम बोलते हैं कर्सर और ये हमारी माउस की हेल्प से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इट इज अगेन एन इनपुट डिवाइस ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है ओके okay? नाउ अब कुछ और पार्ट्स भी होते हैं कंप्यूटर के वो अभी आपके सिलेबस के लिए नहीं है और जब आप सीनियर क्लासेस में चले जाओगे तब इसके बारे में और डिटेल पढ़ोगे लेकिन बस आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वन इज प्रिंटर सेकंड स्कैनर थर्ड इज स्पीकर ये सारे और भी हमारे पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में These all are, uh, these are some are uh, input device and some is output device also. Okay, printer and speaker are output device and scanner is input device. Okay. Thank you, class. Hope you enjoyed the class and try to uh, uh, learn everything. This might help you in senior classes. Okay, thank you. Take care. Bye bye.